अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और ऐसा करने के लिए आप किसी भी कंपनी के डायरेक्ट स्टॉक को बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, वो भी एक साथ में बहुत सारे शेयर्स में। और इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप IPO में अप्लाई करके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी दो तरीके के रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन है अनलिस्टेड शेयर्स का। अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको सेकंड ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि है प्री IPO का। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस IPO के एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूं। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं शेयर मार्केट में, खासकर इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट्स करने का एक स्पेशल तरीका। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके IPOs में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहां पर काफी ज्यादा चांसेस है कि IPO जो है, IPO के शेयर जो है, वो आपको ही मिलेंगे। तो शेयर मार्केट में इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को कहते हैं प्री IPO इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि किसी भी कंपनी का IPO आने से पहले, किसी भी कंपनी के IPO की एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्री IPO में इन्वेस्टमेंट्स करना ज्यादा महंगा नहीं होता है। यहाँ पर जितना इन्वेस्टमेंट आप IPOs में करते हैं, जितने पैसे का इन्वेस्टमेंट IPO में करना होता है, उतना ही पैसे का इन्वेस्टमेंट प्री IPO में भी करना होता है। लेकिन कंपनी यहाँ पर आपको एडिशनल सर्विसेज दे रही है किसी भी IPO में अप्लाई करने के लिए उस IPO के आने से पहले। तो कंपनी जो होती है वो अपना छोटा मोटा चार्ज यहाँ पर आपसे चार्ज करती है, और अगर मैं फिगर्स में बात करूं तो ये अमाउंट जो है वो काफी छोटा होता है, और आपको जो प्रॉफिट होते हैं वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी कंपनी के IPO में अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उस कंपनी का प्री IPO ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। लेकिन यहाँ पर प्री IPO में इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं और इसकी विंडो कितने दिन के लिए ओपन रहती है। नॉर्मली जब कभी भी IPO का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हमारे पास 3 दिन का टाइम पीरियड होता है जहां पर हम लोग IPOs के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्री IPO में भी फंडा सेम है बॉस, यहाँ पर भी आपको 3 दिन का टाइम पीरियड मिलता है अप्लाई करने के लिए। किसी भी कंपनी के IPO की एप्लीकेशन डेट से 3 दिन पहले से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो प्री IPO में। लेकिन शेयर मार्केट में बहुत कम ऐसे ब्रोकर हैं जो IPO आने से पहले किसी भी कंपनी के IPO में इन्वेस्टमेंट्स करने का ऑप्शन देते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए डीमैट अकाउंट जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जब कभी भी आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पर आपको जरूर चेक करना चाहिए कि स्टॉक ब्रोकर के पास प्री IPO में इन्वेस्टमेंट्स करने का ऑप्शन है या नहीं। चिंता मत करो यार, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर जाकर आपको प्री IPO में इन्वेस्टमेंट्स करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं काफी ज्यादा टाइम से इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूं, और इसके साथ साथ और जैसे कि अपस्टॉक्स की स्क्रीन पर आप IPO के सेक्शन में देख सकते हैं कि यहां पर प्री IPO का ऑप्शन है। तो जब कभी भी किसी भी कंपनी के प्री IPO के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि IPO के एप्लीकेशन डेट से 3 दिन पहले इसकी विंडो ओपन होती है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्री IPO इन्वेस्टमेंट्स करके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली बात कि जब कभी भी हम लोग IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम लोग को IPO में अलॉटमेंट मिलेंगे। तो अगर आप प्री IPO के ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा है कि आपको अलॉटमेंट में शेयर्स मिलेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपकी रिस्क जो है वो कम हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, जब कभी भी अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे तो रिस्क भी कम होगा। और तीसरा और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपको यहाँ पर एडिशनल खर्चा करने की जरूरत नहीं है, एडिशनल ज्यादा एक्सपेंसेस पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप अपस्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पर जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा जब कभी भी हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, फिर चाहे वो इक्विटीज हो, डिबेंचर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या बॉन्ड्स हो, तो यहां पर डाइवर्सिफिकेशन का रोल सबसे ज्यादा होता है। और इसके अलावा हम लोग इन्वेस्टमेंट्स तो करते हैं लेकिन एक जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करना भूल जाते हैं, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी काफी ज्यादा टाइप्स होते हैं और इसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो यहां पर कौन से टाइप की इंश्योरेंस होती है और यहां पर किस इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, इस चीज के बारे में जानना है तो आप मेरी इंश्योरेंस सीरीज की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर मैंने इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको काफी वैल्यूएबल चीज पता चली होगी और इसके साथ साथ आपको एक और इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन पता चल गया है। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, कुछ नई चीज पता चली है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहला काम करना है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।